जस्टिस के पास मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब, मुरासले पर फौरी जुडिशल कमीशन बनाएं, ऐसा कहना था रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में उनका कहना था कि मुरासले से मुतालिक जुडिशल कमीशन की खुली समात होनी चाहिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में वज़रा के मुंह लटके हुए थे, मुदाखलत साबित हो चुकी तो शहबाज शरीफ को इमरान खान के साथ खड़े होना चाहिए। पाकिस्तानी सफीर इस इजलास में अपने मौकफ पर मुकम्मल कायम रहे। उनका कहना था कि पीडीएम पहले दिन से कहती थी इलेक्शन कराए जाएं, अब ये इलेक्शन से क्यों भागने लगे हैं। पेशावर, कराची और लाहौर में सब ने देख लिया कि आवाम किस के साथ हैं। था कि जनाब ये तो मरासला जो है ये तो हकीकी नहीं है, ये तो दफ्तर खारजा में घड़ा गया है। कल उसकी तस्दीक हो गई, उस हिना रबानी खान वजीर मुमलिकत साहिबा ने भी उसकी तस्दीक कर दी कि हाँ, उनने तसल्ली कर दिया कि वो मरासला आया और वो मरासला साइफर जो है वो जेन्युइन है और हमारे सफीर की तरफ से है और डिप्लोमेटिक चैनल से रिसीव हुआ दफ्तर खारजा में फॉरेन सेक्रेटरी को। बात ख़त्म हो गई कि जो 37वां इजलास था जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की थी, उस इजलास के जो मिनट्स थे वो 38वें इजलास जिसकी सदारत शहबाज शरीफ साहब ने की, उन्होंने उन मिनट्स को मनोवन कबूल कर लिया। बयानिया तो लोगों में कबूल हो चुका है, हाँ एक तबका है वो नहीं मानेगा, उसके लिए हम कह रहे हैं आप माने ना माने, असल बात है आवाम किसको तस्लीम करते हैं और अगर आपको फिर भी शक है तो जुडिशियल कमीशन तश्कील करवा लीजिए। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।